वेलकम टू माय चैनल हैदराबादी फूड स्टोरीज। आज अपन आए सिग्नेचर ग्रिल्स जो कि थ्रिल सिटी में है। इसके लोकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी, एक बार चेक कर लो। और इसका इंस्टा का हैंडल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी, वो भी एक बार चेक कर लो। कई को बोले तो नए अपडेट्स और ऑफर्स रहे तो सबसे पहले अपने को इधर ही मालूम हो जाते। बारबेक्यू बोले तो किसको नहीं पसंद, सामने बारबेक्यू का स्टैंड लगा लेके गरम गरम खाते रहे तो वो टेस्ट ही अलग रहता। और ज्यादातर बारबेक्यू बोलते कि अपने को नॉन वेज आ जाता माइंड में, लेकिन वेज में भी बहुत सारे आइटम्स रहते जिसको अपन अच्छा ग्रिल कर लेके खा सकते और आपको ये इधर ही मिलता। ये हैदराबाद का फर्स्ट प्योर वेजिटेरियन बारबेक्यू रेस्टोरेंट है भाई, और ये बहुत स्पेशियस भी है। बड़े गैंग के साथ में आके थ्रिल सिटी में नीचे गेम्स वगैरह एंजॉय करके लंच या डिनर यहाँ पे कर लेके गए तो जबरदस्त रहता भाई। और बड़ा ग्रुप है, पार्टीज वगैरह कर लेने का है, किसी का भी डिस्टर्बेंस नहीं होना बोले तो। यहाँ पे एक पार्टी हॉल भी है सेपरेटली, यहाँ पे एक स्टेज के जैसा लगा के भी कुछ भी अनाउंसमेंट्स वगैरह भी कर सकते और एक हैपनिंग पार्टी कर ले सकते हैं यहाँ पे। मेरे को तो ये बहुत जबरदस्त दिखा। खाने में तो इतने सारे वेराइटीज है भाई, बारबेक्यू के वेराइटीज है, इंडियन क्विजीन, कॉन्टिनेंटल स्पेशल्स, चाट, ड्रूलवर्थी डेजर्ट्स और बहुत कुछ है, अभी अपन पूरे देखेंगे। ये सैलेड्स का डेकोरेशन भी जबरदस्त है भाई, और शुरुआत तो अपनी हॉट सूप से होती। क्या जबरदस्त मसल रन है भाई। इटालियन क्विजीन में दो टाइप के पास्ता है भाई, रेड सॉस पास्ता और व्हाइट सॉस पास्ता। ऐसा ढक्कन उठाते कि क्या खुशबू आ रही थी मालूम ओरिगानो की। चाइनीज क्विजीन में तो नूडल्स और मंचूरिया तो रहना ही रहना है भाई, और भापा तो जबरदस्त निकल रहे। और ये अपने इंडियन करीज, पालक कश्मीरी कोफ्ता, तंदूरी वेज शैशलिक और आलू मेथी। और राइस आइटम्स में पालक कॉर्न पुलाव और वेज फ्राइड राइस है भाई। और लाइट खाने वालों के लिए स्टीम्ड राइस और इन लोगों की सिग्नेचर ग्रिल्ड दाल मखनी है भाई, जबरदस्त है ये तो। ये है दाल तड़के वाली और धुआं दम मोती पनीर मखनी, दिखने को जबरदस्त दिख रहा भाई। अपने हैदराबादियों को किधर भी गए तो बिरयानी होना ही होना है भाई, इसलिए ये है वेज दम बिरयानी। अभी अपन बढ़ेंगे डेजर्ट्स के तरफ। इसमें है एक देसी और एक विदेशी, जो कि गाजर का हलवा और एक मिसिसिपी मड पाई। इसका प्रेजेंटेशन देखे तो इस खा लेना दिल बोल रहा। और गरम गरम गुलाब जामुन को कैसा भूल सकते भाई, ये है बड़े बड़े गुलाब जामुन, ऐसा खाए तो मुंह में घुल जा रहे थे। और ये शाही लोगों की पसंद शाही टुकड़ा, इतने छोटे छोटे टुकड़े, उसके ऊपर जो गार्निशिंग है जबरदस्त है। और ये रसमलाई, इसके प्लेटिंग को देख के मुंह में पानी आ रहा भाई, उतना अच्छा है। और ये लीची गुल्ला, रसगुल्ले के सर का छोटे छोटे। और ये है बालूशाही जो शादियों में रहता। और कट फ्रूट्स में है ये पपाया, वो तो देसी डेजर्ट्स हो गए। और ये विदेशी डेजर्ट्स में है बेल्जियम पेस्ट्रीज, और इसमें भी बहुत सारे वैरायटीज है, चॉकलेट में है, वेनिला में है। एक खाए से वाला दो तीन तो पक्का लेते भाई, उतने जबरदस्त दिखे मेरे को ये पेस्ट्रीज तो। आप लोगों को कैसा दिखा कमेंट में बोलो, और आप लोग इधर आए नहीं ट्राई नहीं करे वाले एक बार ट्राई करो भाई, फैन हो जाते आप लोग, उतने जबरदस्त है ये पूरे। और लास्ट में है ये आइसक्रीम काउंटर, इधर पूरे लाइव काउंटर्स है भाई, पूरे शेफ्स आप लोगों को सामने ही बना के देते, बीट बारबेक्यू और जो भी है आप लोग इन लोगों को देख सकते हैं, इन लोग कितना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। और इधर से थ्रिल सिटी का जो व्यू है उसके लिए तो आना जरूर है भाई। एक बार स्क्रीन पॉज करके इन लोगों का मेन्यू देख लो, आप लोगों को आइडिया आ जाता क्या क्या है क्या नहीं है। और इसमें अच्छी बात क्या दिखी बोले तो, इसमें जेन ऑप्शंस भी है। मेरे को इन लोगों का मॉकटेल मेनू बहुत अच्छा दिखा, इसीलिए मॉकटेल सेशन में आके एक मेकिंग देखेंगे बोल के आई। आप लोग भी देखो। ये देखते देखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे वाले सब्सक्राइब कर लो, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब करे आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू। आप लोग मेरे कंटेंट को ऐसे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और आप लोग भी चाह रहे कि मैं दूसरे दूसरे प्लेसेस रिव्यू करूं बोले तो कमेंट में डालो, मैं आपके कमेंट को 110% रिप्लाई करती। इन लोगों के पास में चाट भी बहुत फेमस है और बहुत यूनिक तरीके से बनाते। चाट में बोले तो पानी पूरी पहले आता भाई, और इसको दो टाइप के पानी के साथ में दे रहे, खारा पानी और मीठा पानी, और इसका फिलिंग ही यूनिक है। अभी अपन देखेंगे दही भल्ला का मेकिंग। पहले भल्ला को ले लेके उसके ऊपर चाट मसाला डाल दिए, अपने हैदराबादियाँ थोड़ा स्पाइसी खाते बोल के ऊपर से और थोड़ा मिर्ची डाल लिए, और उसके बाद में हरी चटनी और लाल चटनी डाल दिए। और ये दही है भाई ये डिश का हीरो, देखने को ही गाढ़ी और क्रीमी जबरदस्त दिख रही। अभी इतना ही नहीं भाई, इसके ऊपर भी डेकोरेशन करना जरूरी रहता, नहीं तो दही फिक्की फिक्की दिखती। पूरे मसाले मिर्ची सब डाल दिए, उसके ऊपर से फिर से हरी चटनी और लाल चटनी तो डालना जरूरी है। और ये पूरी कलाकारी लास्ट के गार्निशिंग में रहता भाई, लाइट कैरेट और अनार डाल दिए तो जबरदस्त हो जाता डिश दिखने कुछ।
अभी चाट में ट्रेंडिंग चल रहे सो है राज कचौरी, लेकिन बुफे में बड़ा राज कचौरी दिए तो दूसरे आइटम नहीं खा सकते बोल के, ये छोटा है। अभी इसके अंदर बहुत सारे फिलिंग्स कर दे रहे, जैसे कि पापड़ी और चना मूट, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आलू भी डाले और दही भल्ले का भल्ला भी ऐसा दबा के डाल दिए उसके अंदर पहाड़ के जैसा, और उसके ऊपर से पूरे ऐसा मसाले डाल दिए, और लाल चटनी और हरी चटनी तो जाना ही जाना है उसके ऊपर से। और अपने डिश का हीरो दही जो कि क्रीमी क्रीमी और जबरदस्त है वो तो आ गया। अब डेकोरेशन हो रहा उसके ऊपर, हर कलर दिखे जैसा तिरंगा बना दिए भाई उसको, रेड व्हाइट और ग्रीन करके जबरदस्त दिख रहा कलरफुल होके। इसका गार्निशिंग तो मेरे को बहुत पसंद आया भाई, अनार के दाने डाल के जो दिए नहीं जबरदस्त था वो, ऐसा देखे तो ही पेट भर जा रहा। और चाट में दही पापड़ी किसको नहीं पसंद भाई, वो भी मेकिंग आप लोग देख लो, और ये देख के आप लोग घर में भी बना ले सकते। और ये पूरा दिल्ली स्टाइल चाट है जिसकी वजह से टेस्ट एकदम ऑथेंटिक प्रॉपर चाट वाला है, आप लोग खाए तो फैन हो जाते भाई, हर चीज बेहतरीन है इधर की। आप लोगों को कैसा दिखा कमेंट में बोलो। दिल्ली की चाट है तो छोले भटूरे कैसा भूल सकते भाई, वो तो रहना ही रहना है। गरम गरम छोले और उसके साथ में गरम गरम भटूरा खाए तो क्या टेस्ट रहता भाई। छोले भटूरे के फैंस तो इधर आके एक बार ट्राई करना भाई, मेरे को इधर का प्रेजेंटेशन ही बहुत जबरदस्त दिखा भाई, ऐसा देखे तो इस मुंह में पानी आ रहा। अभी अपन लोग पूरा मेकिंग देख के खाने के लिए बैठ गए, मॉकटेल अपना रेडी है और चाट आइटम्स आ गए। इन लोगों का कटलरी भी मेरे को जबरदस्त दिखा भाई, इसका कलर ही अलग है। अभी हमारा भाई टेस्ट करके बोलेगा सब कैसा है। ये भटूरा इतना मोटा रहता ना, फ्लफी फ्लफी रहता अंदर, उसको ऐसा छोलों के साथ में लगा लेके खाए तो क्या जबरदस्त टेस्ट था भाई। ऐसे छोले भटूरे तो कहीं भी नहीं मिलते आप लोगों को हैदराबाद में। और ये दही पापड़ी जो क्रीमी क्रीमी है बहुत जबरदस्त थी भाई, और अनार के दाने से जबरदस्त फ्लेवर आ रहा था। राज कचौरी का पहाड़ तो तोड़ने को जरा तकलीफ हुआ, लेकिन ऐसा टूटते कि उसके अंदर खजाने के सर का बहुत सारे आइटम निकले, और ये दही के साथ में खाए तो जबरदस्त था। मेरे भाई को तो दही का हर आइटम पसंद आया, उतना जबरदस्त था भाई। अपने बच्चियां तो पानी पूरी बोले तो मरते भाई, चाट का राजा है पानी पूरी, और उसको दो पानियां ऐसा मिला लेके खाए तो जबरदस्त था। इतने बड़े बड़े पूरियां हैं एक खाते के सा मुंह भर जाता, और फ्लेवर तो बहुत अच्छा था भाई। और ये है दही भल्ला जिसको अपने पास दही बड़ा भी बोलते, लेकिन पूरे चाट मसाला वगैरह डाल के एकदम नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बना दिए, खाए तो इसके पूरे फ्लेवर्स आके बहुत जबरदस्त था भाई। दही बड़ा ऐसा भी बना ले सकते बोल के ये एक आइडिया है। अपन चाट खत्म करके अभी बारबेक्यू के पास में जा रहे, तो बारबेक्यू का स्टैंड भी ला के रख दी अपने सामने। आई वेज में बारबेक्यू में क्या रहता बोल के समझ लेते बहुत जने, लेकिन इधर आके देखे तो वेज में भी इतने सारे आइटम्स बारबेक्यू कर लेके खा सकते बोल के मालूम होता। और यही है इधर का यूनिक कॉन्सेप्ट, और ये हैदराबाद में अभी तक तो किधर भी नहीं है। और जो भी हैदराबाद के प्योर वेजिटेरियंस है एक बार इधर आके देखो भाई, एक से एक डिशा है और टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। अभी मैं पूरे डिशेस के नेम्स बोलती, राइट से लेफ्ट में जा रही। पहले है बुट्टा, उसके बाजू में है मलाई पनीर टिक्का, उसके बाद में पनीर टिप टिक्का और चिल्ली मिली शीख कबाब, और लास्ट में है पाइनएप्पल स्वीट चटनी कबाब। और ये बारबेक्यू में जो स्टाइल से निकालते नाशिक पकड़ के वो जबरदस्त दिखता मेरे को, आप लोगों को भी वैसे दिखता। ये है अपने पूरे स्टार्टर्स रेडी पूरे सॉसेस के साथ में, और लास्ट में आया इन लोगों का मेन आइटम स्टफ्ड मशरूम जो मेरे को भी पर्सनली बहुत पसंद आया। इसके अंदर पूरा पालक और बेसिल का फिलिंग्स था जिससे कि बहुत जबरदस्त था इसका टेस्ट, और ऐसा धुआं आते रहे तो मस्त दिख रहा था भाई। और क्रिस्पी कॉर्न तो बहुत लोगों का फेवरेट रहता, और उसको लाइट ऐसा पिंक सॉस के साथ में सर्व करे। ये पनीर टिप टिक्का तो पूरा ऐसा सॉस लगे हुआ था, उसको वैसा खाए तो भी टेस्टी था, नहीं तो अपन टोमेटो सॉस लगा लेके खाए तो भी जबरदस्त रहता भाई। मेरे भाई को तो बहुत पसंद आया ये। ये है पाइनएप्पल सॉस, पाइनएप्पल को ऐसा मत लेके उसके अंदर मिर्ची और थोड़े ये वो डाल के बनाए सो है, उसके अंदर ग्रिल्ड पाइनएप्पल लगा लेके खाए तो भाई बहुत जबरदस्त था। मैं मीठा खट्टा खाने की फैन उतनी नहीं हूँ, लेकिन ये खाए तो मैं तो फिदा हो गई भाई। पनीर टिप टिक्का में ही दो दिए सो है, ग्रीन और रेड कलर का, रेड कलर के उसको लाइट ऐसा टोमेटो सॉस लगा लेके खाए तो जबरदस्त था भाई, ग्रिल होके और सॉफ्ट हो गया था पनीर। अभी ये मेरा फेवरेट मशरूम, इसको लाइट ऐसा मायोनीस के साथ में खाए तो मेरे को तो बहुत जबरदस्त दिखा भाई, एकदम ब्लैंड टेस्ट रहता इसका और मुंह में गए तो ऐसा घुल जा रहा था। और ये चिल्ली मिली शीख कबाब तो स्पाइसी स्पाइसी होके मेरे को बहुत अच्छा दिखा भाई, आप लोग भी ट्राई करे तो फिदा हो जाते। और क्रिस्पी कॉर्न के बारे में तो ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई, मस्त था।
हमारा भाई बुट्टे को भी फोक से खाएंगे समझा, लेकिन नहीं होके फिर हाथ से जैसा सॉस लगा लेके खा लिया। बुट्टे का टेस्ट भी बहुत जबरदस्त था। और ये मलाई पनीर को टोमेटो सॉस के साथ में खाए तो बहुत अच्छा था भाई। आप लोगों को कौन सा अच्छा दिखा कमेंट में बोलो। मेरे को तो मशरूम बहुत पसंद आया भाई। ये है मलाई ब्रोकली रोल, इसका डेकोरेशन देखते कि पेट भर गया भाई। और ये छोटे छोटे चीज बॉल्स है, और ये है एलपिनो चीज क्रोकेन्स। इसके प्रेजेंटेशन को ही फुल मार्क्स है भाई। इसके डिप्स भी अलग है और नीचे भी ऐसा लाइट लगा के दिए सो है सॉस। और इधर की हॉस्पिटैलिटी तो इतनी अच्छी है, हॉस्पिटैलिटी के लिए 10/10 दे सकते भाई। और सर्विस भी एकदम फास्ट थी। इसका डिपिच मेरे को बहुत जबरदस्त दिखा। और ये चीज बॉल तो इतना जबरदस्त था, ऐसा खाते कि ऐसा मुंह में चीज बॉल छोरा था बेटा, मन में लड्डू फूटा। बोले सर का दिखा मेरे को, उतना मस्त था ये, आप लोग भी खाए तो फैन हो जाते। और ये जो काला जामुन के जैसा दिख रहा, इसका टेस्ट भी एकदम जबरदस्त था, चीजी चीजी होके। इसके डिप का तो एक अलग ही फ्लेवर था भाई, यूनिक था। फर्स्ट टाइम ट्राई करी मैं और मेरे को बहुत पसंद आया ये। ये मलाई ब्रोकली रोल को ऐसा नाइफ से कट करना पड़ता, कई को बोले तो अंदर ब्रोकली रहती ना। और ये मलाई के साथ में खाए तो बहुत जबरदस्त था भाई। ब्रोकली खाना बोले तो किंद्राहट होने वाले, इसके साथ में खाए तो फैन हो जाते। और ये है वेज सुप्रीम पिज्जा, एक ला लिए तो पूरे जने खा ले सकते भाई, एक एक स्लाइस भी। और इतना चीजी चीजी था ये भी, मेरे को बहुत पसंद आया। और ये थिन क्रस्ट पिज्जा होने की वजह से आराम से एक एक पीस खा ले सकते, प्रॉब्लम इच नहीं रहता। और इसका टेस्ट भी एकदम जबरदस्त था भाई, खा के बोलो आप लोग ये कैसा दिखा आप लोगों को। इसके बाद में अपन बड़े मेन कोर्स खाने के लिए, इतने सारे आइटम है भाई, क्या डाल लेना क्या नहीं डाल लेना समझ में नहीं आया। और मेन कोर्स के तकरीबन आइटम ट्राई नहीं कर सके, कई को बोले तो जो स्टार्टर से फुल पेट भर गया था भाई, इसलिए अपन लोग सीधा डेजर्ट्स करने उड़ी पड़े। कई को बोले तो डेजर्ट्स एकदम टेम्पटिंग दिख रहे थे, क्वांटिटी प्लेटिंग प्रेजेंटेशन ऐसा देखे तो इस मुंह में पानी आ रहा था भाई। और ये छोटे छोटे पेस्ट्रीज के प्लेट्स तो मेरे को बहुत क्यूट दिखे। ये अपने डेजर्ट्स का प्लेट कितना मस्त दिख रहा नहीं, वो हाथ में ग्रीन कलर का क्या है बोल के आप लोग समझ ले रहे होंगे, वो बैंड है एंट्रेंस के लिए। कई को बोले तो थ्रिल सिटी का अलग बैंड है, चॉकलेट रूम का अलग बैंड है, टेंडी बिस्तरों का अलग बैंड है। आपको जिधर भी जाना है एंट्रेंस के पास में बोल दिए तो वो बैंड लगा के देते और आप उधर ही जा सकते। मेरे को डेजर्ट्स तो बहुत पसंद आए भाई, एक एक आइटम ही तीन तीन चार चार भी खा ले सकते, उतने अच्छे थे। हर डिश का एक यूनिक फ्लेवर है, ऐसा खाए तो मुंह में घुल जा रहा था भाई। और ये लीची गुल्ला तो मेरे को इतना अच्छा दिखा, छोटे छोटे है, 8-10 खा ले सकते भाई आराम से, इतने टेस्टी थे। और इसके अंदर का है सो पानी भी बहुत जबरदस्त दिखा मेरे को तो। पेस्ट्रीज में भी 3 वैरायटीज है भाई, क्वांटिटी छोटे छोटे रहने की वजह से बहुत क्यूट दिख रहे ये तो, ऐसा खाए तो मुंह में घुल जा रहे थे। और ये व्हाइट वाले पेस्ट्रीज मेरे को बहुत अच्छा दिखा, और इसका प्रेजेंटेशन से पेट भर गया। और ये गाजर का हलवा, गुलाब जामुन और मिसिसिपी मड पाई, मेरे को मिसिसिपी मड पाई बहुत जबरदस्त दिखा भाई। और इसका निंजा टेक्निक क्या है बोले तो, आइसक्रीम्स के साथ में मिसिसिपी मड पाई मिला लेके खाए तो मौत था, खाए वाले फिदा हो जाते, 2-3 कटोरियां तो आराम से खा लेते भाई। और ये गाजर का हलवा और गुलाब जामुन भी मेरे को बहुत पसंद आया, गाजर के हलवे में तो ऊपर मेवा वगैरह डाल के जबरदस्त दिख रहा था, और ड्राई फ्रूट से था, खाते रहे तो मुंह में आते रहे तो जबरदस्त था भाई। और लास्ट में फिनिशिंग टच के जैसा आइसक्रीम ले लिए, इसके अंदर 3 फ्लेवर्स है, वेनिला चॉकलेट और बटर स्कॉच, तीनों भी थोड़ा थोड़ा एक एक स्कूप डाल के पूरे टेस्ट करे भाई, और सबका टेस्ट मेरे को जबरदस्त दिखा। और आइसक्रीम के साथ में मिसिसिपी मड पाई मिला के खाना नको भूलो, आप लोग याद कर लेते, बहुत मस्त था वो तो। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं यहाँ पर डिप्टी शेफ हूँ सिग्नेचर ग्रिल का। हमारी खासियत है जो बारबेक्यू कॉन्सेंस है उनका, सबसे हमारा वही खासियत है हमारा पूरा बारबेक्यू का। जैसे हम लोगों ने अपना ग्रिल में जो हम देते हैं बारबेक्यू का भाई, हमारा ग्रिल जो होता है तो हमारा मेन वही अपना कॉन्सेंस है। जैसे हमने अपने ग्रिल में 7 आइटम हमारे देते हैं, उसके बाद में हमारा पूरा लाइव चार्ट काउंटर है, तो हमारे वहाँ लाइव चार्ट काउंटर में 9 से 9-10 से आइटम है, तो आप हमारे टेस्ट कर सकते हो, हमारे फूड की क्वालिटी देख सकते हो, हमारी सर्विस देख सकते हो। हमने अपना जो फूड बनवाया है एक्सेलेंट, हमने जो भी काम किया हुआ है, हमारे पूरे जितने भी हमारे हमने शेफ मंगवाए हैं, जो हमारे जो शेफ्स आए हैं पूरे हमारे बाहर से है, नॉर्थ से है, तो उनसे हमारा जो भी है, हम उनकी उनका जो हमारे जो क्वालिटी है उसने उन्हें दिया है हमारे सिग्नेचर ग्रिल को, तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं कि भाई हाँ इसमें कोई कमियाँ निकाल सकते हैं। आप उनका देख सकते हो, टेस्ट खा सकते हो, आप हमारा पूरा हर चीज़ देख सकते हो। जैसे हमारे ग्रिल, जैसे हमारा आप टेस्ट कीजिए एक एक चीज़, जैसे मलाई पनीर टिक्का है, स्वीट चिली पनीर पाइनएप्पल है हमारा, कुंभ में अपना मशरूम है, और ग्रिल कॉर्न है हमारा, और अपना चिली मिली शीख कबाब है, आप उसमें हर चीज़ में आप टेस्ट सकते हैं। और हमारा जो सॉसेस है उसके साथ में आप टेस्ट कीजिए खाने के लिए,
जो हमारा चाट का जो भंडार है, जो हमारे चाट, हमने दिल्ली चाट का स्पेशली हमने बनवाया है, तो आपने भी टेस्ट किया होगा कि हमारा जैसे फूड है कि भाई आप हम बोलेंगे, आप अपना भी बताइए भी हम कैसे हम अपना फूड है। और हमारा जो मेन कोर्स है पूरा हमारा A1 एकदम डेजर्ट हमारे पूरा भी डेजर्ट भी जैसे है, हमारे ने दो कॉन्सेंस है, जैसे कि हमारा इंडियन डेजर्ट है और हमारे पेस्ट्री डेजर्ट है। तो हमारे स्पेशली हमारे यहाँ का गाजर का हलवा खा के देखिए, गुलाब जामुन है, रसमलाई है हमारा यहाँ का, और अपना जो लीची गुल्ला है जो स्पेशली बंगाली स्टाइल में हमने बनवाया है, जो हमारा वो फूड जो हमारा जो डेजर्ट के बारे में भी उसमें भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेस्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो आप बस हमारे सिग्नेचर के लोग को बस आ जाइए, आप देखिए अपना खाने का बस टेस्ट देख लीजिए हमारा, और अपना भी खूब इंजॉय कीजिए। हमारे पास में जो सर्विस हम देंगे उसके लिए भी बेफिक्र रहिएगा, और आपको जो क्वालिटी भी देंगे आप उसके लिए भी बेफिक्र रहिएगा। सब्सक्राइब टू हैदराबादी फूड स्टोरी। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। देख लिए ना भाई आप लोग इन लोगों के पास में कितने सारे वैरायटीज हैं। आप लोग भी इधर आके इधर का फूड का टेस्ट करो। और ये जो व्यू है ना, ये तो मेरे को बहुत पसंद आया भाई। ऐसा व्यू के पास में बैठ के फूड को एंजॉय करना बहुत जबरदस्त रहता। आप लोग भी इधर आके इसका मजा लो। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।